Hello everyone, welcome to the new video. And guys, in this video I'm going to speak about what are the documents required for IBPS SO interview 2019. Very recently IBPS SO mains result is out, and now we are searching for what are the documents required, what are the list of documents. So I've listed down all the documents which is mentioned by the IBPS, okay, and I will give you one by one, right from the basics to the some kind of special cases if it is. Well, before that I would like to tell you, I have already started with the interview series, okay, and I have completed till part 6, okay. So if you haven't watched those videos, go to my channel, you can get those videos. Even I will give you some of the links at the end of this interview. Even you will find the link in the descriptions also, okay. So I'll quickly start now. Documents required. First, printout of call letter. आपका जो call letter out होगा ना, उसका एक printout उनको लगेगा, ठीक है. Then second is printout of your online application form. वो कौन सा है? Which is system generated. मतलब जो आपने पता है form fill up किया, ये जब IBPS का notification out हुआ था, in that you filled up your name, your father's name, your qualification, your percentage, your work experience, you know, minor details of where you stay and everything. उसका एक प्रिंट आउट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म होगा, विच सिस्टम जनरेटेड, उसका एक प्रिंट आउट लगेगा. थर्ड पॉइंट इज पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स. सी, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, नाउ डोंट आस्क एक चाहिए दो, पूरा बंडल रेडी रखो, ठीक है. अब सब नहीं लगेंगे उनको, बट क्या है, इफ यू जस्ट कैरी वन पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ एंड दे आस्क यू फॉर टू, देन वॉट, लाइक यू डोंट वॉन्ट टू रन हियर एंड देयर एंड द लास्ट मोमेंट. सो इफ इट इज अवेलेबल इन 4-5 or so, that is enough. 4-5 नहीं लगेंगे, but keep it. My always plan is keep the more. Okay. And अगर फोटो नहीं निकाला है तो अभी भी जाओ, अच्छे से फोटो निकालो and make sure it is ready. Fourth point, your certification and marksheets for the proof of educational qualifications. आपके जो educational qualifications हैं उसके marksheets की अच्छे से एक filing करो, उसके अच्छे से xerox वगैरह निकाल के सारी चीज़ें रेडी रखना, ठीक है. फिफ्थ वन इज डेथ ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, दैट इज DOB सर्टिफिकेट. आपका जो डेथ ऑफ बर्थ रहेगा उसकी सर्टिफिकेट रेडी रखो. कुछ लोगों ने मैंने सुना है कि उनको ये ढूंढना पड़ता है, तो अभी से प्रोसीजर चालू रखना, वो कहाँ रखा होगा, कहीं पुरानी फाइलों में छुपा होगा, तो उसको ढूंढ के निकालो एंड मेक श्योर इट इज़ अवेलेबल. नेक्स्ट वन इज कास्ट सर्टिफिकेट, इट इज़ एप्लीकेबल ओनली टू SC, ST एंड OBC गाइस, ठीक है, आपके लिए एप्लीकेबल है कास्ट. जैसे मैंने कहा ना, स्पेशल कुछ कंडीशन रहा तो, सो कास्ट सर्टिफिकेट विल बी एप्लीकेबल. देन द आइडेंटिटी प्रूफ, और यू कैन से द फोटो आइडेंटिटी प्रूफ, मतलब लाइक पैन कार्ड और आधार कार्ड, ऐसी सारी चीज़ों का एक आइडेंटिटी प्रूफ रेडी रखना, ओके. अच्छा, जस्ट टू मेक श्योर, रेशन कार्ड और आपका जो लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस रहा ना, तो याद रखना ये एप्लीकेबल नहीं है, बाय चांस आप कैरी करो तो. बाकी बहुत सारी चीज़ें यार, पैन कार्ड आधार कार्ड लेके जाओ, मेरे हिसाब से दो लेके जाओ, सिर्फ पैन कार्ड मत लेना, सिर्फ आधार कार्ड मत लेना, दोनों लेना ये, ठीक है. बट रेशन कार्ड और लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस जनरली एप्लीकेबल नहीं होता है, ओके. नेक्स्ट इज फॉर जॉब पीपल, वर्क एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट प्रोवाइड करो, जहाँ पे आपने एक्सपीरियंस, आपको जहाँ पे आपने काम किया हुआ है. नाइन्थ, नेक्स्ट वन इज इफ पर्सन इज अ डिसेबल, देन डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट प्रोवाइड करो विथ योर डिसेबिलिटी कैटेगरी, जो आई एम श्योर आपके पास होगा. एंड ऑब्वियसली इट शुड बी मेंशन बाय योर डिस्ट्रिक्ट मेडिकल बोर्ड, ओके. सो आई रिपीट, Disability Certificate of People with Disability Category mentioned by District Medical Board. Next, if you are ex-serviceman, obviously you need to submit your particular certificates at the time required. Then NOC, that is No Objection Certificate by Employees of Government Department or PSU, that is Public Sector Unit. Okay. And any एप्लीकेबल कैंडिडेट अगर कोई रहा जो अंडर एज है, ठीक है, लाइक एप्लीकेबल कैंडिडेट्स फॉर
who are applying underage relaxation category. आप इसमें से कोई रहे तो ये चीज़ें आपके लिए एप्लीकेबल होगी, कोई स्पेशल कंडीशन रहा, आपका अंडर एज रहा और उसमें कुछ रिलैक्सेशन रहा तो ठीक है. सो दीज आर द ऑल डॉक्यूमेंट्स आर रेडी. ओके एंड कीप योर दिस थिंग रिज्यूम एंड ऑल एवरीथिंग रेडी इन प्रॉपर सिचुएशन प्रॉपर कंडीशन. एंड अभी आप इसका जो फाइलिंग करोगे ना, सब जेरोक्स वगैरह का कॉपी फोटो कॉपी का, एक एक्स्ट्रा मैं एडवाइस देता हूँ, ये सब जो चीज़ें बनाओगे ना प्लीज़ कोई एक कॉपी मत बनाना, ठीक है. हो एक और कॉपी बना के रखो, एक और सेट बना के रखो. मान लो कि 10 तरह के डॉक्यूमेंट्स है तो आपने एक फाइलिंग बना ली उसकी, ठीक है, उसका एक सेट मत रखना, दो रखना, ठीक है. क्योंकि मैं चाहता हूँ लास्ट मिनट का भागो मत, क्योंकि आप पहले जाओगे तो आपको एक वहाँ पर रुकोगे, प्रोसीजर होगा, ठीक है, उसके बाद कुछ अलग होगा. तो आप यू शुड नॉट बी इन अ वेरी ऑकवर्ड सिचुएशन यार, प्रीलिम क्लियर किया, मेंस क्लियर किया, इसलिए बोलता हूँ 2-3 सेट अच्छे से रेडी रखो ताकि आप एक प्रॉपर कंडीशन में रहो वहाँ पे. जब भी कोई डॉक्यूमेंट्स मांगे तो यू शुड हैव दोस डॉक्यूमेंट्स इन एक्स्ट्रा. ओके बट दीज आर डॉक्यूमेंट्स थिंग, दीज आर डॉक्यूमेंट्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर IBPS SO इंटरव्यू. सो एंड नाउ व्हाट यू कैन डू नाउ, ये मैंने डिटेल में इसलिए बात किया कि कुछ लोगों ने कहा था कि थोड़ा इसके ऊपर थोड़ा गाइडेंस चाहिए था, ठीक है, तो मैंने इसलिए सिर्फ पॉइंटर्स में नहीं बताया. तो ये थे पॉइंट्स. अभी आप एक काम कर सकते हो, अभी आप थोड़ा स्क्रॉल करो, ठीक है. स्क्रॉल करने के बाद कमेंट सेक्शन में मैंने सारे पॉइंट्स देके रखे हैं, ठीक है, तो वो आप अपने पास रख सकते हो ताकि आप देख सको आपके पास क्या अवेलेबल है और क्या आपको अवेलेबल करना पड़ेगा या ढूंढना पड़ेगा आपके घर में या जो भी है, ठीक है. अगर एक चीज़ है, अगर किसी ने ये वीडियो मेरे अपलोड करने के बाद तुरंत ओपन किया है तो हो सकता है आपको कमेंट ना दिखे, देयर इज अ चांस. तो कुछ नहीं, अभी वीडियो ख़त्म होने को ऑलमोस्ट, तो अभी जाके उसको रिफ्रेश करो, F5 दबाओ, नीचे कमेंट आपको अपडेटेड मिल जाएगा, ठीक है. शुरुआत में आपको दिखा नहीं होगा अगर आपने बहुत जल्दी वीडियो देखा है तो, मेरे अपलोड करने के बाद, ठीक है. तो इस वीडियो में इतना ही, जो डॉक्यूमेंट्स के लिए आपको चाहिए था, तो दिस इज़ व्हाट आई हैव एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो.